हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में अपन BOP कवर कर रहे थे, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स अपन ने देखे हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह अपन ने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आईकार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो भी एक उसी का ही पार्ट है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के आता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके ये दो टाइप में आ जाता है, और ऐसे इंडिविजुअल भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको वो चीज़ भी समझ में आ जाए। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं UGC NET क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पर क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेनसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट फॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि कोई गुड्स लैंड कंपनी, ठीक है, फिजिकल कंपनी, ऐसा नहीं कंपनी के शेयर्स नहीं, एज ए नॉर्मल कंपनी या फिर मशीन, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जब खरीदी जाती है फॉरेन पर्सन्स द्वारा या फिर फॉरेन किसी कंपनीज द्वारा, ये सारी चीज़ें जब खरीदी जाती है एज ए फिजिकल गुड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट द परचेज ऑफ एन एसेट विच गिव्स अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बायर। परचेज ऑफ एन एसेट मतलब, एसेट मतलब वो चीज़ें जो कि एज ए आपको रिटर्न देती है फ्यूचर में। जैसे आपने कहीं पैसा लगाया, तो अगर वो आपको बाद में फ्यूचर में वो पैसा थोड़ा सा बढ़ा करके दे रही है, तो वो चीज़ क्या हुई आपके लिए, एक एसेट हुई, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब वही चीज़ें जिसपे आपको पैसा बाद में बढ़ के मिले। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपन वैसे ही करते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन पर्सन द्वारा की गई वो परचेज जो कि एक एसेट होती है उनके लिए, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल देती है बायर को, मतलब वो चीज़ पे डायरेक्ट कंट्रोल देती है। कि जैसे अगर कोई गुड्स अगर फॉरेन पर्सन खरीद रहा है, तो वो गुड्स पे ओनरशिप पूरी उसकी है। कोई लैंड खरीदी है, कहीं जमीन खरीदी, कहीं घर खरीदा है, तो वहाँ पे भी उसकी पूरी ओनरशिप रहती है। कंपनी पे भी, मशीन पे भी, ऐसी चीज़ें पे उसकी पूरी ओनरशिप रहती है। तो ये क्या है कि पूरा कंट्रोल देती है बायर को, और ये एक एसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई मशीनरी हो गई, इस टाइप की चीज़ें क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। तो देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करना, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना, कंपनी में इन्वेस्ट करना। अब कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब कंपनी की कुछ हिस्सेदारी लेना। अब कंपनी को खरीदना नहीं होता है इसके अंदर, कंपनी में इन्वेस्ट होता है, तो वो कंपनी जिसकी है उसी की रहती है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ शेयर्स वगैरह एज ए एसेट के तौर पे ये लोग खरीद लेते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसको अपन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑल द परचेज ऑफ एन एसेट दैट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट टू द परचेज, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो भी फॉरेन पर्सन के द्वारा कोई भी चीज़ें खरीदी जाती है एज ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में, ये उनका एसेट तो होता है, बट ये उस पर पूरा कंट्रोल नहीं देता उनको कि उनको कैसे यूज़ करना है। इनको बस ये है, पता है कि उनको एक एसेट मिल रहा है, एज ए पीस ऑफ शेयर मिल रहा है, उसका पार्ट ऑफ कंपनी मिल रही है, बट उस कंपनी पे ये लोग पूरे हकदार नहीं होते। उन कंपनी का एज ए छोटा सा पार्ट इनके पास होता है, तो वो कंपनी जैसे चलेगी वैसा इनको रिटर्न मिलेगा। तो एक तरह से ये क्या है, एक एसेट तो है बट इस पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं होता है, ओके। तो ये दोनों डिफरेंस है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो एज ए फिजिकल गुड्स पे खरीदी जाती है जिस पे उनका पूरा कंट्रोल होता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एज ए पार्ट ऑफ कंपनी हो सकती है, एज ए शेयर हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये लोग क्या होता है, उनका पूरा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये दो टाइप थे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड के। तो ये आपने समझ लिए हैं, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।